हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। इस वक्त जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये वाली हैदराबाद के नगर निगम के चुनावों की वोटिंग चल रही है इस वक्त। वीडियो पता नहीं कब तक अपलोड होती है, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त नगर निगम के चुनावों की वोटिंग हो रही है। और सब जगह एक ही बात है कि बीजेपी की इस बार वाइब्स कुछ अलग हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या पता, लेकिन क्योंकि मेन बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने, देखिए, एक तरफ किसानों का मुद्दा है, किसानों ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरा है चारों तरफ से, किसान बिल के ऊपर आक्रोश अपने चरम सीमा पे है। उस क्रिटिकल वक्त में जो प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन बीजेपी ने किया है हैदराबाद में, चाहे वो योगी जी का हो, चाहे वो अमित शाह जी का हो, वो देखने लायक था। और जो वाइब्स उनको मिली हैं, जो सपोर्ट उनको मिला है, जो प्यार उनको मिला है, जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, स्पेशली वो योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ अपने भाषण में कहा है कि भाग्य नगर नाम था हैदराबाद का, वही नाम हम वापसी करेंगे। अमित शाह जी ने कहा इसको आईटी हब बनाएंगे। और ये बात हम सब जानते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं अब जो है बेंगलोर के बाद अब हैदराबाद में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है अमेजोन ने भी कहा है कि हम यहीं पर हैदराबाद में भी आएंगे और आईटी हब बनने गए, तो साफ सी बात है, तो जाहिर था, ये तो पहले से ही बात थी। इसको और बड़े स्केल पे पहुंचाने के लिए बीजेपी ने कहा है। दूसरी बात, जो नाम बदलने वाला मुद्दा था, क्योंकि साफ सी बात है इस पर चुनाव जो है वो हिंदुइज्म और इस्लामिक के ऊपर होना है और कुछ भी मुद्दा नहीं है, और दोनों पार्टियों की तरफ से है। देखिए 149 उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी ने इस बार, अपने आप में बड़ा आंकड़ा है 149। तो जिस तैयारी के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी है वो देखने लायक है। ओवैसी ने जो बयान दिए हैं उसके उसके रिएक्शंस में बीजेपी के बयान हैं, और वहीं पे यूपी में दो दिन पहले लव जियाद के ऊपर पहली एफआईआर दर्ज होना अपने आप में चीज़ें दिखाते हैं कि अब जो है बीजेपी का रवैया क्या है और किस पाथ पे बीजेपी जाएगी। साफ सी बात है, आज 3 बजे तोमर जी ने भी कहा है कि वो किसानों से मीटिंग करेंगे, 32 संगठनों के जो अध्यक्ष हैं वो जाएंगे। कैसे भी बात होगी, देखिए 3 बजे की है बातचीत का जो उन्होंने टाइम दिया है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या पता। लेकिन मुद्दा यही है कि क्या बीजेपी इस बार अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि वाइब्स जो मिली हैं, जो इस वक्त वाइब्स जो है वो बहुत अलग हैं। मैं हमेशा कह रहा हूँ इस बार जो देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ा नगर निगम चुनाव होता है ये, 5,000 करोड़ का सालाना बजट है सिर्फ नगर निगम का। इस तो यहाँ पे अपने आप में बड़ी तैयारी के साथ उतरना है इधर, और उतरी भी है, अपना सारा होमवर्क करके बीजेपी उतरी है। अब जो है सिर्फ वोटिंग के ऊपर है कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन बीजेपी इस बार हल्के में नहीं लेगी। बीजेपी को भी कोई हल्के में नहीं लेगा इस बार, चाहे कोई ऑपोजिशन भी क्यों ना हो, चाहे वोटर्स भी क्यों ना हो, बीजेपी की एग्जिस्टेंस जो है मायने रखती है इस वोट में, इस चुनाव में, माफ कीजिएगा। जो लोगों ने मुझे कहा कि सार्थक भाई आप मुझे एक बार बताइए कि भाग्य नगर जैसे इन्होंने कहा है कि भाई नाम चेंज हो जाएगा, आपके हिसाब से चीज सही है या गलत है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सीधी सी बात है, अगर उन्होंने नाम चेंज किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये पहली बार नहीं हुआ है। और नाम चेंज करने से ना तो डेवलपमेंट रुकती है और ना बीजेपी ने कहा है कि डेवलपमेंट की हमने बात ही नहीं करी, ना उन्होंने डेवलपमेंट की भी बात करी है और नाम बदलने की भी बात करी है। और जो लोग कहते हैं कि नाम नहीं बदलना चाहिए, देखिए पहली बात तो आपके सेंटीमेंट्स नहीं होंगे, हमारे सेंटीमेंट्स हैं, आस्था जुड़ी होती है, हम किसी भी उस चीज का नाम नहीं बदलेंगे। देखिए जैसे ताजमहल है, ताजमहल का नाम तो हम नहीं चेंज नहीं कर रहे क्योंकि बनाया ही मुस्लिम्स द्वारा था, ठीक है। ताजमहल का इतिहास पे मैं नहीं जा रहा हूँ, कैसे बना था और क्या सच्चाई है ताजमहल की, नहीं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके अलग वीडियो बनेगी, वो हम सब जानते हैं क्या सच्चाई है। लेकिन 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 उस पर हम नाम चेंज नहीं कर रहे हैं ना, कुतुब मीनार का तो नहीं नाम चेंज किया ना हमने, नहीं किया ना, क्योंकि उनके ही द्वारा बनाया गया है वो, जो चीज़ उनके द्वारा बनाई ही नहीं गई है, सिर्फ नाम बदल दिया और आपका हो गया, वो कड़वा सत्य है और उस कड़वे सत्य को नष्ट कर देना ही सही बात है।
ना तो आप कड़वा सत्य हजम कर लीजिए, नहीं तो फिर चुप रहिए। नाम तो बदलेगा, बीजेपी आएगी और नाम तो बदलेगा, क्योंकि अब ये मुकर नहीं सकते अपनी जबान से। यहां तो इनको बोलना नहीं चाहिए था, इन्होंने एक सेंटिमेंट जगा दी हमारे अंदर, और अब अगर ये नहीं करते हैं तो बुरे ये बनेंगे। देखते हैं क्या होता है। हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी आए। उधर से बंगाल में जो हवा चली है, मैंने ये बात करनी थी वीडियो में, बंगाल में जो हवा चली है बीजेपी की, आपने देखा होगा कि वहां पर जो आम जनता है, आम जनता, पहली बात तो ये कि टीएमसी के लोग टूट टूट के जा रहे बीजेपी में, देखिए उनको पता है कि कोई फ्यूचर नहीं ममता बनर्जी के साथ। दूसरी बात यह कि जो आम आदमी है वहां पर, जिस तरीके से बीजेपी को बुला रहे हैं कि आप आओ, आप आओ, आप यहाँ पे जीतो, आप सत्ता, मतलब कैसे बुला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। देखा मैंने हर दीवार पे जो है बीजेपी बीजेपी, अपने घरों के बाहर लोग फूल बनवा रहे हैं, बीजेपी का कमल बनवा रहे हैं, दे वॉन्ट बीजेपी। और वहां पर अगर बीजेपी आती है तो अपने यहाँ पे बहुत बड़ा तमाचा है पूरी अपोजिशन के लिए, ना सिर्फ ममता बनर्जी के लिए, पूरे अपोजिशन के लिए, क्योंकि हर तरफ से तहस, क्योंकि वो गण है जहां बीजेपी बहुत, मतलब सोच भी नहीं सकता कि आप बीजेपी आएगी। अगर वहां बीजेपी आ जाती है तो पूरी ऑपोजिशन के ऊपर तमाचा पड़ेगा। जहां जहां हिंदू कल्चर खतरे में है वहां बीजेपी का आना अपने आप में जो है एक नई आस्था जगाता है हमारे अंदर, एक नए कल की उम्मीद लेके आता है कि हाँ हमारा भी कुछ है, हमारा फ्यूचर नहीं तो, हिंदू जिस तरीके से खत्म हो रहे हैं, वहां पर बीजेपी का आना अपने आप में एक जोश देता है हमें। अब पीछे नहीं हटूंगा इस चीज से। अच्छा, दूसरी बात, मैं ये बात खत्म करना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में जब मैंने किसानों के ऊपर वीडियो बनाई थी, लोगों ने मुझे कहा कि सारा तो भाई आप यार किसानों को सपोर्ट करो, किसानों को सपोर्ट करो। पहली बात तो देखिए, मैंने किसानों को ही सपोर्ट किया है, मैंने हैशटैग जय किसान भी लिखा था। आप देखिए कि मैंने पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार को, जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है खट्टर नाम लेके, उनका मैंने क्रिटिसाइज किया था, जो कि गलत है। हरियाणा की सरकार गलत है, पंजाब की सरकार गलत है। बीजेपी की कमी यह है कि अगर ऐसा कुछ है, अगर वो कॉन्फिडेंस अगर इनके हिसाब से है, बिल अच्छा है, तो किसानों के ग्राउंड लेवल तक ये बात जानी चाहिए। ऊंचे से लेकर नीचे स्तर का जो किसान है सब तक उनको कॉन्फिडेंस पे लेना बीजेपी की जिम्मेदारी है। अगर आपका बिल है तो आपको बात करनी चाहिए किसानों से, आपको आश्वासन देना चाहिए। वो आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी, ये बीजेपी की कमी है। ना मैंने बिल का विरोध किया है, ना मैंने किसानों का विरोध किया है। किसान अपनी जगह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उनकी प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है। आपके बिल, आपका बिल अच्छा है, अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस में लेना आपका फर्ज है। और जो लोग मुझे कह रहे हैं किसानों किसान, मैंने भाई किसान के ऊपर ही सब किसानों को सपोर्ट करने में वीडियो बनाई है, आप पहले देखो वीडियो को। मैंने हरियाणा सरकार, क्योंकि मैं खुद हरियाणा का नागरिक हूँ, मैंने अपनी सरकार, अपने चीफ मिनिस्टर को मैंने क्रिटिसाइज किया है, नाम लेके किया है। और ये जो जिस तरीके से, देखिए बात यह है कि मैंने खालिस्तानी वर्ड इसलिए यूज किया था क्योंकि कुछ खालिस्तानी है होने की आशंका है इस पूरे आंदोलन में, क्योंकि जिस तरीके से तलवारें लेके निकले हैं, जिस तरीके से तलवारें लेके निकले हैं, हमने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, मोदी को नहीं, मोदी क्या चीज है, हम मोदी की छाती पे पैर रखेंगे, मोदी का सर काटेंगे, ये किसान के वर्ड्स नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, किसान जिस तरीके से उन्होंने सेवा करी है, पुलिस वालों को भी उन्होंने खाना खिलाया है, लंगर खिलाया है और खिला रहे हैं, मतलब दिन तक तो बिल्कुल ऐसा रहता है कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, पुलिस वाले कहते नहीं आप रुक जाओ, और रात में वो दूसरे से पूछते हैं कि आपने खाना खा लिया सरदार जी, वो कहते हैं कि पुलिस वालों जी आपने खाना खा लिया, वो साथ खाना खाते हैं रात में। ये तो मैंने खुद देखा है, ये तो मैंने खुद देखा है शाम में, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे घर से बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर है, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। माहौल कुछ भी गलत नहीं है, कुछ लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। FIR भी हुई अलीपुर थाने में, कल अलीपुर थाने में पहली FIR हुई है किसान आंदोलन के खिलाफ, जिस तरीके से उन्होंने हिंसक और सरकारी प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, पहली FIR हो रही है। कुछ लोग हैं जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, और जो साजिश मैंने कल उस पिछले वीडियो में जो मेरा टाइटल था कि किसान आंदोलन या साजिश, को साजिश किसानों को बदनाम करने की साजिश है, किसान साजिश नहीं कर रहे हैं, किसानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है कुछ किसान नेता द्वारा, कुछ कांग्रेस के लीडर्स द्वारा,
ऑफ कंप्लीट फेलियर है बीजेपी का हरियाणा में, खट्टर का हरियाणा में। और मैंने साफ शब्दों में खट्टर को, खट्टर जी को और अपने हरियाणा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है नाम लेके, क्योंकि कमी है उनमें। तो मैं किसानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ भाई, अन्नदाता है वो हमारे, और दिल से उनकी रिस्पेक्ट है। चाहे मैं कुछ ना भी बोलूँ तो भी मुझे ये बार बार जो है जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं किसानों को इतना आदर करता हूँ और करता रहूँगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, मैंने किस किस को क्रिटिसाइज किया, नाम लेके किया है। चलता दोस्तों, मैं ख्याल रखिएगा। और जो है कोरोना काल जो है 94,95,00,000 हो चुके हैं केसेज हमारे, थोड़ा सावधान रखिएगा अपने अपने परिवार के लिए। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।